हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान में स्कूल खोलने को लेकर तस्वीर साफ नहीं। कोरोना की तीसरी लहर सितंबर में आने की आशंका जताई जा रही है। इस लहर में सबसे ज्यादा बच्चों के प्रभावित होने का अनुमान है। तीसरी लहर को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर विशेषज्ञ डॉक्टरों के संग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चर्चा की। इसमें विशेषज्ञों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल तब तक न खोलने का सुझाव दिया जब तक बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती। विशेषज्ञों के इस सुझाव के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में स्कूल नहीं खुलेंगे। दरअसल देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। केरल सहित नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और असम में ज्यादा केस आने के बाद ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जल्द ही तीसरी लहर आ सकती है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने इसे बचाव कैसे हो, इस पर चर्चा के लिए एक्सपर्ट संघ रिव्यू किया। इस बैठक में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी, सीनियर श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक विभाग के प्रोफेसर और जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर एमएल गुप्ता सहित अन्य विशेषज्ञों ने स्कूल खोलने के मामले में अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि जब तक बच्चों के लिए वैक्सीन की उपलब्धता और बचाव के समस्त उपयोगों के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन नहीं आ जाती, तब तक स्कूल खोलना ठीक नहीं रहेगा। बैठक में उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर में भी बड़ी संख्या में छोटे बच्चे संक्रमित हुए, जिनमें कुछ बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में बच्चों को बचाने के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है, डेढ़ दो माह न खोले तो ज्यादा बेहतर। सीनियर श्रवसन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि अगस्त आखिरी या सितंबर तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। ऐसे में डेढ़ दो महीने अगर स्कूल नहीं खोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि स्कूल में बच्चे ना तो मास्क हर समय लगाकर रखेंगे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि कोविड की दूसरी लहर के बाद बिना लक्षण दिखे संक्रमित हुए कुछ बच्चों में पोस्ट कोविड लक्षण दिखने को मिले हैं। ऐसे में हमें अगर बच्चों को बचाना है तो ज्यादा सतर्क रहना होगा। रिपोर्ट देने बनाई मंत्रियों की कमेटी। गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने 22 जुलाई को हुए कैबिनेट की बैठक के बाद 2 अगस्त से स्कूल खोलने की घोषणा की थी, लेकिन इसके अगले दिन ही सरकार ने यू टर्न लेते हुए 5 मंत्रियों की कमेटी बनाई थी। यही कमेटी स्कूल खोलने की तारीख और किस कक्षा तक के बच्चों को स्कूल बुलाया जाए ये तय करके अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को पेश करेगी। इस कमेटी में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग है। 14% लोगों का वैक्सीनेशन पूरा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शासन सचिव चिकित्सा सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि प्रदेश में अब केवल 268 एक्टिव कोरोना केस हैं, जबकि देश भर में एक्टिव रोगियों की संख्या 3,97,000 से अधिक है। राज्य में लगभग 14% लोगों का दोनों डोज लगने पर वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका है। अब तक कुल 3.13 करोड़ डोज लगाई गई है, जिनमें से 2.43 करोड़ पहली डोज के रूप में तथा 69.54 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाई गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाते समय वही दवा दी जाए जो पहली डोज के समय दी गई थी। इस संबंध में किसी प्रकार की लापरवाही न हो, इसको लेकर विशेष ध्यान रखा जाए। जागरूक टीवी की जयपुर से खास रिपोर्ट।